हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर श्वेता। आए दिन अभी ओवर थिंकिंग की शिकायत बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ये बुजुर्गों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, लेकिन अब एडल्ट और यंगर्स में भी ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहा है। बच्चे हैं तो वो आप कभी नोटिस करना, वो सोचते ही रहते हैं या फिर कहीं खोए रहते हैं, इस टाइप से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही नहीं है, ये हमारे हेल्थ के लिए, हमारे बॉडी के लिए बहुत ही बैड न्यूज़ है। इससे आपको निकलना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात है, इसमें आप ही को सबसे पहले इसमें अपने आप को मोटिवेट करना है, सबसे बड़ी बात है। यू हैव टू कीप योर सेल्फ, योर माइंड, हर चीज से आपको निगेटिव जितने माइंड से में आ रहे हैं, ये सब चीज आना नहीं है, बिल्कुल इसे निकालिए। जितने भी निगेटिव थॉट्स आते हैं ब्रेन में, इससे लड़ने के लिए आप ही को मेहनत करना है। तो इसके लिए सबसे पहला जो चीज़ है वो है मेडिटेशन। आप मेडिटेशन करो और इस चीज़ पे आप बैठकर थोड़ा देर सोचो कि जो हम सोच रहे हैं क्या ये काम का है या नहीं है, इससे क्या होना है नहीं होना है, गुड इफेक्ट्स बैड इफेक्ट्स, इसके सोचना है, इसे आपको ही फाइट करना पड़ेगा। और दूसरी बात है, आप अपने आप को बिल्कुल बिजी रखो, कुछ काम कर लो, या कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट दैट, राइट। अपने आप को इसके लिए आप थोड़ा सा मेहनत करने पड़ेगी। अपने आप पे सबसे पहले विश्वास रखना है, बिलीव इन योर सेल्फ फर्स्ट एंड बी पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रखिए, पॉजिटिव लोगों से बात करिए, निगेटिव थॉट्स बिल्कुल नहीं सोचना है। हाय मेरे साथ ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, इसका क्या होगा, मेरे साथ ऐसा बीत गया, कोई बात नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। हमेशा ऐसे सोचते हुए आगे बढ़ना है, तब आप जो भी चाहते हो आगे बिल्कुल आप उस चीज को अचीव कर सकते हैं। ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होता, ये बहुत बड़े बड़े बीमारी का कारण बनते हैं। थोड़ा सा टफ होगा इस चीज से फाइट करने में, बट यू आर स्ट्रांग, यू कैन डू, राइट। और होम्योपैथ में कुछ मेडिसिन है जो आपको हेल्प कर सकते हैं। पहली जो मेडिसिन है वो नेट्रोम्यू 30 है, इसे आप 2 ड्रॉप्स 2 टाइम्स लीजिए। दूसरी मेडिसिन है कैनाविस 30, ये वैसे पेशेंट्स के लिए है जो बिल्कुल से फालतू सोचते रहते हैं और सोचते रहेंगे और बहुत ज्यादा उस पे चले जाते हैं, जो बाद में जाकर डिप्रेशंस और बहुत बड़े बड़े बीमारियों का कारण बनेगा। क्योंकि हमारे ब्रेन से ही सारा कुछ कंट्रोल होता है, हमारे शरीर में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं हॉर्मोन्स कंट्रोल करते हैं, सारे ब्रेन करते हैं। अगर वो डिस्टर्ब हो जाएंगे तो सारा बॉडी का जितने फंक्शंस हैं सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। और फिर आप तो जो सोच रहे हो तो खैर गया, फिर नए नए बीमारियों का आगमन होने लगेगा। मतलब बहुत बड़ा कारण है ये चीज। इस चीज पे आपको कंट्रोल करना है और बिल्कुल खुश रहना है। और साथ में फिर एक मेडिसिन है कैलिफोस, 6x पोटेंसी में लीजिए, ये एक तरह का टॉनिक है। इसे आप 6 टैबलेट 3 टाइम्स लीजिए, बहुत इफेक्टिव है। और खुद को हमेशा यू आर स्ट्रांग बोलकर हमेशा आगे बढ़ते चलिए, और खुद हंसिए, दूसरों को हंसाइए और खुश रहिए। थैंक यू।